हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ढाबे स्टाइल बैंगन के भरते की रेसिपी। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ी साइज का बैंगन। हमें इसमें सबसे पहले कट लगाना है, इस तरह से 3 से 4 बड़े वाले कट लगाना है बैंगन में। ऐसा करने से हम अंदर तक देख सकते हैं कि बैंगन सड़ा है या अच्छा है, इस तरह से आप देख सकते हैं। हर साइड से देख लेंगे सबसे पहले। अब यहां पे मैंने ली है कुछ गार्लिक और हरी मिर्च, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसे हमें, ये हमने जो कट किया है, इस गैप में इसे फिल करना है। ऐसा करने से ये गैप थोड़ा बड़ा होता है तो बैंगन सिकने के टाइम अंदर तक अच्छी तरह से सिकता है और एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है बैंगन के भरते में। और इसके साथ ये गार्लिक और हरी मिर्च जब सिकता है तो इससे भरते का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। आप इसे जरूर ट्राई करना, आपको जरूर पसंद आएगा। ये देखिए, यहां पे मैंने सब कुछ फिल कर लिया है अंदर। अब हमें इसके ऊपर ऑयल लगाना है, तो ऑयल अच्छी तरह से लगा लेंगे पूरे बैंगन में। आप चाहे तो ऑयल की जगह पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहां पे मैंने ऑयल लगा लिया है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहां पे हमें बैंगन को सिकना है, तो इसके लिए ये जाली जो है इसको हटा लेंगे, क्योंकि यहां पे इस जाली का कोई काम नहीं है। बैंगन को सबसे पहले ऐसे ऊपर वाले हिस्से से सेकेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो होता है वो बहुत अच्छी तरह से सिकना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से बैंगन ज्यादातर कच्चा रह जाता है। कुछ देर में हम ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे ताकि हर तरह से अच्छी तरह से सिक जाइए। आप देख सकते हैं यहां पे जो गैप है, तो इसकी वजह से बैंगन बहुत जल्दी और अंदर तक सिक जाएगा। हमें इसे तब तक सिकना है जब तक इसका जो ऊपर का लेयर है वो अपने आप हटने ना लगे। छिलका अपने आप निकलना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पे कुछ जगह से तो वो निकल भी चुका है। अब हम ऐसे इसमें चाकू लगा के देखेंगे, चाकू पूरा अंदर तक जाना जरूरी है। यहां पे आप देख सकते हैं हमारा बैंगन बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है, तो सबको ऑफ कर लेंगे। अब थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसका जो छिलका है ऊपर से, इसे ऐसे हटा के साफ कर लेना है बैंगन को। अब बैंगन को ऐसे स्पून से हम मैश कर लेंगे। यहां पे जो गार्लिक और हरी मिर्च है वो भी इसके साथ अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। ऐसे स्पून से इसे मैश कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच दही। दही इसमें डाल के इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हमें इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ऐसे ही। अब यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई, तो कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच ऑयल ले रही हूं मैं। ये सब मैंने कितनी क्वांटिटी में लिया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे ये घी, फिर डालेंगे हींग, और यहां पे मैंने ये ली है रेड मिर्च और दालचीनी। इसके बाद इसमें डालना है ये बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को ऐसे ही बारीक चॉप कर लेना है, क्योंकि ग्रेवी करने से बैंगन के भरते का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता है। ग्रेवी में सिर्फ प्याज और टमाटर का ही टेस्ट ज्यादा रहता है, तो इसलिए इसको ऐसे ही चॉप करके डालना है। प्याज हल्की सी भुन जाने के बाद हमें इसमें डालना है ये कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे ये चॉप्ड टमाटर,
अब हमें टमाटर और प्याज को तब तक पकाना है जब तक इसमें से ऑयल अच्छी तरह से बाहर ना आ जाए। इसके बाद डाल देंगे ये ग्रीन गार्लिक, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, वरना तो कोई बात नहीं। मसाले तो इसके लिए हम डालेंगे सबसे पहले ये रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया और जीरे का पाउडर, अब इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला बहुत कम क्वांटिटी में डालना है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि भरते में जो बैंगन का फ्लेवर है वो उभर के आना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए ये जो मसाला है वो बहुत कम रखना है। अब मसालों को 1-2 मिनट के लिए इसके साथ पकने देंगे। 1-2 मिनट के बाद हम ये जो बैंगन है जो हमने दही में मिक्स करके रखा हुआ था वो डाल देंगे। बैंगन को इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, 1-2 मिनट जितना, क्योंकि बैंगन आसानी से मिक्स नहीं होता है टमाटर और प्याज के साथ। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, यहाँ मैंने तकरीबन आधी चम्मच जितना नमक डाला है। नमक को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। आखिर में हमें डालना है धनिया। धनिया को मिक्स करके हमें स्टव को ऑफ कर लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा बैंगन का भरता रेडी है।